साढ़े चार बजे मुझे फिरोज गांधी नगर से कंटिन्यूस फोन आना शुरू हुए। कई लोगों ने मुझे फोन कर कर ये बोला कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करीबन 20 लाख से जायद की एक रोड आसिफ नगर पीएस के सामने से फिरदौस मस्जिद तक दलाई जा रही है। वो रोड को रुकाने के लिए जो तरक्याती काम है और सालों से फिरोज गांधी नगर के लोगों का मुतालबा है कि रोड बहुत ज्यादा डैमेज है, इसको दलाना चाहिए। कुछ यहाँ के कांग्रेसी गुलाम एक हारे हुए उम्मीदवार को लेकर जो धूप में सीधी तौर पे निकल नहीं सकता है, मजलिस का डायरेक्ट पसीना है, पाउडर लगा के निकलता है, क्रीम लगा के निकलता है, अपने आप को सूरत से बचा के निकलता है, वो आता है और एक दौरा करने की कोशिश करता है। मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार उसे रोकते हैं, बताते हैं कि मजलिस की नुमाइंदगी पे यहाँ की रोड पड़ी जा रही है। ताजनगर का नाला मजलिस की नुमाइंदगी पे हुआ है, जुबेदा मस्जिद के सामने की रोड मस्जिद के मजलिस की नुमाइंदगी पे हुई है। हाँ, काम में वक्त लगता है, मगर मैंने ये तो यहाँ के लोगों को, जब मैं मन्नान भाई, अजीज भाई और यहाँ के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन के जिम्मेदार ने मुझे कहा कि यह रोड में वक्त लगेगी, मैंने उनको मुतमईन दिया कि मैंने मुकद्दरदार से बात की है और ये इंशाल्लाह ये रोड बड़ी तेज़ी से ऑन टाइम पड़ जाएगी। कल ही ये रोड खुदी और आज ये लोग दौरा करने हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी नुमाइंदगी से हुई है, ये सरासर झूठ है। और एक बात मैं आवाम को बोलना चाह रहा हूँ, परसों दो दिन पहले फसलानसर में भी हुआ और मेरे पास टाउन प्लानिंग में इनके गुलामों के दिए हुए कंप्लेन है इनके नाम पे, जो नामपल्ली हलके में फिर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उनकी कंप्लेन ये डालकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये लोग हारे हुए हैं तो ये लोग ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये जीत जाते तो कैसा कहर बरपता नामपल्ली पे, ये आपको सोचने की जरूरत है। मेरे पास पूरे कंप्लेंस मौजूद है जो इनके यहाँ के जिम्मेदारों ने नाम पे बल्दिया में दी है। सैयद नगर में जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि ये नोटरी के घर है और तुम्हें हमें पैसे देना होगा, नहीं तो हैड्रा से तोड़ा देंगे। सैयद नगर, फसलानसर और नामपल्ली का कई हिस्सा हो, किसी एक घर को धक्का नहीं लग सकता। अगर ये फिरोज आएगा उसके चमचे आएंगे, चप्पल निकाल के मारूंगा हरामजादों को, मगर नामपल्ली में कुछ होने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देगी। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे कंप्लेन डाले, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी मुखालिफत में ठहर सके, इनके ब्लैकमेलिंग का धलता हम बंद कर सके। ये लोग जहाँ पे भी इनके लोग हैं, आप सूरत देखिए, उनकी फितरत देखिए, पूरे राउडी बैकग्राउंड से है। ऐसे राउडी बैकग्राउंड के लोगों को नामपल्ली में फिराया जा रहा है तरक्की के नाम पर, और ये लोग ये देख रहे हैं कि किसका घर बन रहा है, किसकी मोहरी डल रही है, किससे हम किस किस्म से पैसे खा सकते हैं, कौन से गवर्नमेंट लैंड पे हम पैसे खा सकते हैं। अगर ये कांग्रेस के, ये जो यहाँ के नामपल्ली के ये फिरोज के कुत्ते अगर आपके दरमियान में आते हैं और आपको सताने की कोशिश करते हैं, मुझसे रابطے में आएंगे, इनका मुकाबला मैं करूँगा आपके वास्ते। मैं आपके वोट के ताबे हूँ, इतला देता हूँ कि फिरोज गांधी नगर में बड़ी मुश्किल मशक्कतों के बाद जो है सो हमारे एमएलए साहब जो है यहाँ पर सैंक्शन कराए रोड और ऐसे एसडब्ल्यूजी लाइन वगैरह कराए, तो इनके समझे आप, ये लोग दो दिन पहले से रोकते हुए आ रहे। आज जो है आज कुछ अनसोशल एलिमेंट्स को उनको इनको ले लेके आके रोकने की कोशिश करें, तो हम बोले क्यों रोक रहे भाई, ये काम जो है सो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। वो बोले तो कोई एक घर वाले कंप्लेंट दिए, झूठे बातें करके, झूठे एलिगेशन वगैरह लगा लेके करके समझे यहाँ पर जो है सो अनसोशल एलिमेंट्स को लेके आके यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमको पूरे वर्क को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। हम जब उसके बाद हमारे एमएलए साहब आए और फर्दर आपसे को भी कौन थे भाई, वो आईस वाले कौन थे, फिरोज खान, उस्मान खान, उनके साथ पूरे लोग आए थे। और क्या नाम है उसका, और एक नाम है ना वसीम, कोई वसीम नाम का है, उन्हें जो है सो मेरे को मारने आया। हम बस्ती वालों को बाहर से आके हम बस्ती वालों को मारने के आते हैं। Thank you.
देखो सब ठहरे हुए साहब बोले तो आप जो है मतलब